बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सीक्रेट डायरी बाय मरियम हादी। तो कुड़ियों, चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी बहुत ही यमी सी है। रेसिपी का नेम है आलमंड केक। आलमंड केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। 1.5 कप फ्लोर, 2 eggs, 5 tablespoon ऑयल, 200 milliliter मिल्क, 1 cup आलमंड क्रश, 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, 2 pinch बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस 2 drop, 1 pinch सिनेमन पाउडर, 4 tablespoon ब्राउन शुगर। अब चलते हैं हम इसके मिक्सिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 2 eggs। मैं 2 complete eggs ले रही हूँ, इसमें से योक सेपरेट नहीं कर रही। 2 eggs को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी, इतना बीट करूँगी कि ये एक फॉर्मी सा टेक्सचर बन जाए। आप चाहे तो इसे हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हो। ये करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सिनेमन पाउडर, 4 tablespoon ऑयल, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, 200 milliliter मिल्क, 4 tablespoon ब्राउन शुगर, 2 drops वनीला एसेंस, और मैं इसे फिर अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा, 1.5 cup चमचा है मैं वो मैदा ले रही हूँ, और वो भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कप स्मॉल वाला है, बड़े वाला कप नहीं है ये। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलमंड्स, क्रश किए हुए आलमंड यूज़ कर रही हूँ, फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद मैं इसे अच्छे से कर दूंगी मिक्स, और ये कुछ इस तरह का बैटर दिखेगा। अब चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। मैं इसे बेक कर रही हूँ पतीले में। ये मिक्सचर हमने बाउल में ले लिया। पतीले में बेकिंग के लिए मैंने सॉल्ट लेके उस पर एक लो हाइटेड स्टील का बाउल रख के ऊपर ये बाउल रख दिया है, और इसे ढक दिया है 45 मिनट्स के लिए। नाइफ की हेल्प से मैं चेक कर लूँगी कि ये अच्छे से कुक हो गया। अब हम करेंगे इसे प्लेट में टर्न। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, बैटर डालने से पहले आपने इसे बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेना बाउल को, तो फिर ये ऐसा गोल्डन सी लुक देगा, ठीक है। और प्री हीट हुआ हुआ था पतीला 10 मिनट्स पहले, तो आपने लो फ्लेम पे रखना है। वो करने के बाद अब हम चलते हैं इसके गार्निश की तरफ। गार्निश करने के लिए मैं ले रही हूँ 3 tablespoon हनी, और हनी में मैंने आलमंड्स डाल दिए। आप चाहे तो इसमें काजू या कोई और ड्राई नट्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं स्पेसिफिक आलमंड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आलमंड केक बना रही हूँ। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है कुछ ड्राई रोज पेटल्स, उसका एक बड़े मज़े का फ्लेवर आता है और खुशबू भी, तो ये एक ट्विस्ट है इसमें। ये करने के बाद मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी एंड नाउ यू कैन सर्व इट। कोई जूस ऐड नहीं कर रही क्योंकि ये एक ड्राई केक है, तो इसलिए मैं इसे ड्राई फॉर्म में ही रहने दे रही हूँ। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी एंड नाउ यू कैन सर्व इट आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, इवन के चाय के साथ भी। मेक इट एंड एंजॉय इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग।